आज प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व करने की अपनी तरफ से कोशिश करनी है वो ये है कि हमारा ये प्रेशर वॉशर है हुंडई का, ये आप देख सकते हैं। ये प्रेशर वॉशर पूरा प्रेशर नहीं बना रहा, इसकी जो प्रेशर वॉशर गन है ये पानी बहुत कम क्वांटिटी में निकालती है। और दूसरा, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि प्रॉब्लम इसके प्रेशर बनाने में है या देर इज समथिंग ब्लॉकिंग इन दैट प्रेशर गन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पानी मैंने पीछे से चला दिया और अपेरेंटली इसमें पानी बहुत कम भी नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा भी नहीं आ रहा, लेकिन अपेरेंटली इट फील्स टू मी कि पानी कम नहीं है, लेकिन एक्चुअली इतना ज़्यादा नहीं है शायद। अब जनाब पानी मैंने पीछे से ऑन कर दिया, अपेरेंटली आप देखें पानी काफ़ी कम प्रेशर में, ये देखें ज़्यादा दूर नहीं जा रहा। लेट मी ट्राई टू फिक्स द कैमरा, ये देखें। अब ये पानी जो है ये बोरिंग का पानी है और इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो अपेरेंटली ये मोटर में से जो प्रेशर वॉशर में से होके आ रहा है, ये कहीं रेजिस्टेंस है प्रेशर की। लेट मी शो यू, ये बोरिंग का पानी एक्सट्रीमली प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसका माशाल्लाह। और इस लिहाज से ऐसा फील होता है कि प्रॉब्लम शायद प्रेशर वॉशर में है, प्रॉब्लम प्रेशर वॉशर में। मैं पानी बंद करके आता हूँ, पानी ज़ाया हो रहा है, आई विल बी बैक। तो जनाब अब तरीकाकार ये है कि अपेरेंटली काफ़ी क्लियर है कि प्रॉब्लम प्रेशर वॉशर में है और समथिंग इज प्रॉबली स्टक रेजिस्टिंग द वाटर फ्लो। तो हम प्रेशर वॉशर को खोलते हैं फिर देखते हैं। हैंडी आर सम ऑटोमेटिक टूल्स, फिर ये आपका स्क्रू ड्राइवर सेट है, फिल्टर साफ है, वो ब्लॉकिंग नहीं कर रहा। ये तो जस्ट हैंडल है, इसमें आप कलेक्ट कर लें इसके स्क्रूज। ऑफलाइन मैं इसको खोल देता हूँ। अब ऐसा करते हैं कि अपेरेंटली नथिंग सीम्स टू बी लीकिंग, यहाँ पे कोई ऐसा ऐसा कोई पार्ट मुझे लग नहीं रहा कि जिसके ऊपर पानी लगाओ, लेकिन इधर दोबारा चेक करते हैं कि यहाँ से कोई लीकेज तो नहीं है। बिकॉज इफ वी फाइंड एनी लीकेज देन वी काइंड ऑफ मे बी हैव द प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसके स्क्रूज हैं। अब जनाब हमने ये किया है कि हमने थोड़ा लाइट सा ये एसिडिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट किया ताकि अगर कोई इसका चैनल जो क्लॉग है तो वो रिलीज़ हो जाए। तो अब ये चला कर देखते हैं, पाइप लगा कर देखते हैं कि कोई बेहतरी आई है, बजाय कि पहले हम सारी मशीनरी खोल लें। और मैं भी इच्छा आप यूज हो इसलिए ओपन द एंटायर मशीनरी। एसिडिक मटेरियल वहाँ से सारा निकला है और प्रेशर में फर्क ज़रूर है, लेकिन शायद इतना ज़्यादा नहीं। तो
इसको ऑन करके देखते हैं मशीन को। इसको गन पे लगा कर देखते हैं, लेट्स सी। जनाब इसका ये पार्ट खोलते हैं पहले, क्योंकि इसमें पानी आता है और बेसिकली सारा रेनोवेट होता है, नॉट रेनोवेट सॉरी, इसमें प्रॉब्ली कोई चीज़ जमी हुई है जिस वजह से प्रेशर नहीं बढ़ रहा। कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर बेहतर हुआ है सफाई से, लेकिन नॉट दैट मच। इसका ये प्रॉब्ली धन से भरा हुआ है और इसको हमने खोला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैंने इसके ये तीन उतारे हैं और पानी लगा कर देखते हैं। ये साफ करके वापस लगाते हैं इसके। आई गेस ये सफाई के लिए। रेड करने से पानी अभी भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ, और आई एम अफ्रेड वी हैव टू ओपन दिस पार्ट एंड देन लेट्स सी। खोलने से इसका ऑयल रिलीज हो गया है। Okay guys, so it seems like things have fixed a bit. I've put the new oil and put the engine back in, and let's start to fix it up. Before that even, let's check it if the pressure is regained. Electricity is not on. So I think the problem is fixed. We just had to clean everything up, the circuitry of the water path inside this mini engine. It seemed to be back in working. So let's call it a day. Bye bye.